मानो या ना मानो। वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मानो या ना मानो चैनल में। आखिर क्यों दिया था राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया था, तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने जान से प्यारे अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा था। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण जरूर करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चल रहा है, तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई राम की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है, जिसमें या तो उन्हें राम की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही ये निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा, ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। श्री राम ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना, तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिया मृत्यु दंड। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर बताएं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस तरह की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटनाओं के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।